इस बार आजादी की वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन कोसी कला नगर पालिका की अनदेखी के चलते सुभाष पार्क में कोई भी जन प्रतिनिधि अमर शहीदों की सुध लेने नहीं पहुंचा, जहां गंदगी का आलम था और शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। आपको ध्यान दिला दें कि आज 9 अगस्त को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं जिलाधिकारी नवनीत चहल ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया था और सभी शहीद स्मारकों को रंगाई पुताई एवं साज सज्जा करें, सभी क्रांतिकारियों को मलयालमा एवं पुष्प अर्पण करने की सूचना समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत एवं सरकारी अस्पताल में दी, लेकिन कोसी नगर पालिका द्वारा इस पर कोई अहम कदम नहीं उठाया गया और आजादी के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के पार्क में प्रतिमा पर कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन का अधिकारी माल्यार्पण करने नहीं पहुंचा, न ही नगर पालिका द्वारा स्मारक में साफ सफाई कराई गई। सुभाष चंद्र बोस पार्क में 75वीं वर्षगांठ के दिन भी गंदगी का अंबार लगा रहा और शराब की खाली बोतलें भी देखने को मिली। इस मामले में जब पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई भी सूचना उन्हें नहीं दी गई। अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा दुबे से जब बात करनी चाहिए तो 11 बजे तक उनका ऑफिस बंद मिला। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे माननीय मोदी योगी जी ने शहीदी दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया है और उसके लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले जैसे श्री सुभाष चंद्र जी के सुभाष पार्क आदि पार्कों की सज्जा, उसकी सुव्यवस्था आदि के लिए गवर्नमेंट ने फंड जारी किया है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ नेताजी सुभाष पार्क है उसमें न कोई कार्य किया गया न उसकी कोई सफाई वफाई की गई, मतलब यह काम अच्छा नहीं है। यह प्रांतीय और राष्ट्रीय पर्व है, इसको हमारे माननीय पालिका अध्यक्ष को भली भांति बिना भेदभाव के मनाना चाहिए।